नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा जुपिटर 125 इश्यू आफ्टर फर्स्ट सर्विस। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मैंने जुपिटर 125 दो महीने पहले ही परचेस किया था। सो मेरा होप बहुत ही स्कूटी में था कि एक स्कूटी बहुत ही अच्छा रहेगा एंड ये स्कूटी बहुत ही अच्छा है, बट स्टिल इसमें कुछ मेजर इशू जो कि मैं फेस कर रहा हूँ एंड फर्स्ट सर्विस के बाद मेरा ये एक इशू आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से डिटेल रिव्यू बोलूंगा। सो ये इशू मेरे में खुद ही फेस किया हो, बाकी इतना यूजर कुछ फेस नहीं किए हैं। सो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं मेरे डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड पे बेसिकली जब मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका LED DRL सब ब्लिंक करता है। तो इसमें क्या इशू होता है ना, जैसे यहाँ पे आप लाइट्स देख सकते हो, बट मेरा इंजन का लाइट बहुत डिम है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं बाकी लाइट कितना अच्छे से ग्लो करता है, बट जो इंजन का LED लाइट है ये बहुत ही डिम ग्लो कर रहा है। तो मैंने इसको सर्विस सेंटर में लेके दिखाया तो वो लोग बोले कि इसका LED शायद फ्यूज हो गया है, इसीलिए ही ऐसे डिम ग्लो कर रहा है। तो इसके रिगार्डिंग वो लोग बोले हैं कि एक स्पेयर ऑर्डर किया गया है एंड उसको वो रिप्लेस कर देंगे। सिंस वारंटी है स्कूटी में, सो फ्री रिप्लेस हो जाएगा। फिर इतना जल्दी स्कूटी में दिखाया, देखा मेरे पर भरोसा ही नहीं हुआ, बिकॉज अभी मैंने सिर्फ 700 किलोमीटर्स इसको चलाए हैं एंड इसमें कुछ और इश्यूज़ है, जैसे कि हैंडल वाइब्रेशन होता है सुबह सुबह जब आप 20-30 की स्पीड में गाड़ी को चलाते हो एंड इनिशियली फॉर 2 सेकेंड हैंडल वाइब्रेशन होता है। जब फ्यूल कम होता है, जब इसमें टैंक होता है, तभी भी हैंडल वाइब्रेशन दिखाई देता है। सो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मेरा ये पार्ट रिप्लेस हुआ है एंड कैसे सर्विस सेंटर का क्या फीडबैक था। इस रिगार्डिंग मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।